When we use as well as along with, verb always agree with the first noun or pronoun. जब हम as well as का along with का use करते हैं तब verb हमेशा जो first noun होता है या pronoun होता है उसी के according लगाते हैं, first noun के according हम लगाते हैं. For example, the captain along with, कैप्टन दिया हुआ है, इसके साथ वर्ड्स लेटर्स वर्ड्स क्या यूज दिए हुए हैं, अलोंग विद द क्रू मेंबर्स. अब इसमें बताया गया है एज वेल एज और अलोंग विद के साथ हमको किसके साथ वर्ब फुल करनी है, किसके अकॉर्डिंग वर्ब फुल करनी है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार. एक तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द कैप्टन, एंड सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, द क्रू मेंबर्स. कैप्टन यहाँ पर आपका सिंगुलर है, द क्रू मेंबर्स कैसा है, प्लूरल है. लेकिन हमको किसके अकॉर्डिंग वर्ब फुल करनी है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द कैप्टन के अकॉर्डिंग. इसीलिए यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि द कैप्टन कैसा है आपका, सिंगुलर है. इसीलिए यहाँ पे वर्ब कौन सी फील हुई, हैज. नेक्स्ट पॉइंट, राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स. अब हिज फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्लूरल हो गया. लेकिन राजू क्या कैसा है आपका, राजू सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ साथ एज वेल एज वर्ड्स भी ऐड हैं इसमें. इसलिए हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करनी है, इसलिए यहाँ क्या दिया हुआ है, इज. इन केस ऑफ आइदर और नाइदर नॉ, वर्ब एग्री विद द सेकेंड नाउन. यदि आइदर और से वर्ड्स कनेक्ट हो, नाइदर नॉ से कनेक्ट हो, तब हमको वर्ब सेकंड नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग फिल करनी है. जैसे आइदर दे और आई, यहाँ पर दे दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, दोनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन कनेक्ट किससे है, ये आइदर और. इसीलिए हमें सेकंड नाउन के अनुसार वर्ब फिल करनी है. आई के अकॉर्डिंग क्या आया, यहाँ पर एम आया. नाइदर नेहा नॉर हर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देख लीजिएगा किससे कनेक्ट किए गए हैं ये वर्ड, नाइदर और नॉर से. इसीलिए किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, अपनी सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करनी है. हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या आया, हैव गॉन टू द मार्केट. थैंक यू स्टूडेंट्स.